खजने पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 26 अक्टूबर को छताई पुल पर कपड़ा व्यापारी के पैर में गोली मारकर लाखों रुपए की लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बरदाड़ तिराहे के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान श्याम सिंह यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी इकौना थाना बेलघाट तथा जितेंद्र यादव पुत्र देवमन यादव के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 1,88,500 रुपए बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 26 अक्टूबर को छताई पुल के पास हुई लूट की घटना में गिरफ्तारी के लिए 4 संयुक्त टीमें गठित की गई थी तथा घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके से एक मोबाइल फोन जिसका स्क्रीन टूटा हुआ था बरामद हुआ, जिसका कवर हटाकर देखा गया तो उसमें से एक स्टैम्प साइज फोटोग्राफ मिला, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के त्रिनेत ऐप पर डाला गया। तो इस फोटोग्राफ से मिलते जुलते अपराधियों का फोटोग्राफ, नाम, पता, आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ। अधिकतर मेल खाता फोटो दिनेश यादव पुत्र जमुना यादव निवासी शेयर थाना खजनी का था तथा मौके से बरामद मोबाइल के सिम धारक के बारे में जानकारी की गई तो वह भी दिनेश यादव का निकला। इस आधार पर पुलिस ने दिनेश यादव और उसके साथियों की छानबीन में जुट गई तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घटना के समय दिनेश यादव से बातचीत करने वाले व सहयोगियों की जीरोइंग की गई। तो जनपद संत कबीर नगर के उसके एक रिश्तेदार विवेकानंद यादव तथा बेलघाट क्षेत्र के कुछ साथियों की जानकारी हुई, जिनको बड़डाढ़ तिराहे के पास गिरफ्तार कर लिया गया तथा पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 26 अक्टूबर को हम लोग अपने साथियों विवेक उर्फ विवेकानंद उर्फ कान्हा पुत्र रामकीवल निवासी सिरसा पोखरा थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दिनेश यादव पुत्र जमुना यादव निवासी शियर थाना खजनी, सर्वेश पुत्र राम नारायण यादव निवासी शियर थाना खजनी व प्रद्युमन निवासी मीरपुर थाना बेलघाट के साथ मिलकर रात करीब 8 बजे छताई पुल के पास एक बुलेट सवार व्यापारी से गोली मारकर उसके बैग में रखा पैसा छीनकर भाग गए थे और भागते समय दिनेश यादव का मोबाइल वहीं गिर गया था। एसएसपी ने बताया कि अभी 4 अभियुक्त विवेक उर्फ विवेकानंद उर्फ कान्हा पुत्र रामकेवल निवासी सिरसा पोखरा थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दिनेश यादव पुत्र जमुना यादव निवासी शिया थाना खजनी, सर्वेश पुत्र राम नारायण यादव निवासी शिया थाना खजनी व प्रद्युमन निवासी मीरपुर थाना बेलघाट वांछित है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सामने देखिए गलती करती है, ये जो क्राइम नंबर है इसमें पड़ा है श्याम सिंह का अपराधी की तरह, ये मुकदमा गलत पड़ गया है, मुकदमा कारण गलत हो गई है। वो भी बड़ी मेहनत किया, लगातार बिना सोए महाराष्ट्र गए, वहाँ से गिरफ्तारी करके लाए हैं, पहुँच जाते उसके बाद पकड़ में थाना खजनी में दो दिन पूर्व रात में एक व्यापारी को गोली मारकर लूट की गई थी, जिसमें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बेलघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे लूटी हुई रकम के 1,88,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो घटना हुई थी उसमें एक मोबाइल पुलिस को घटनास्थल पर मिला, जिसकी जांच करने पर वो मोबाइल एक दिनेश यादव नाम के युवक का निकला। इस पर पुलिस ने आगे केस को डेवलप करते हुए इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है।
और इसमें त्रिनेत्र ऐप जो है उसकी मदद ली गई थी, क्योंकि जो मोबाइल मिला था उसके जो कवर था उसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ भी था। उस फोटोग्राफ को जब पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप पर अपलोड किया तो उससे मिलते जुलते कई अपराधियों के फ़ोटो उस ऐप पर आए, जिसमें से कि एक दिनेश का भी था। उसका हमने जो डोजियर बनवाया गया था उससे मिलान किया और तत्पश्चात इस पर पुलिस टीम आगे लगाई गई, और जिसमें ये पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई है। इस घटना में कुल 6 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, शेष की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। जो अभियुक्त दिनेश था उसके साथ एक अभियुक्त इनमें से है जिसका आपराधिक इतिहास है, एक मुकदमा पूर्व में था। इसमें अन्य थानों से और अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी।